पंजा तो अपना सबका ही है, पंजा तो हर काम में काम मारने की भी काम आता है, अच्छों की भी काम आता है, पंजा ही आ जाता है, हर काम में पंजा आ जाता है, इंशाल्लाह ये जीत जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक को क्या ऐसे तैसे मार कर दी मोदी ने। अच्छा तो मोदी ने तो क्या करा, उसने अपना भरा है, हमारे को दिया क्या उन्होंने? अच्छा तो पंजा ने तो पहले से सस्ता करा, देश के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया। हाँ कहीं ना छोड़ा, वो कमा के बैठा है। पंजे की सरकार बनना चाहिए, दुआ करते हैं कि यही जीत कर आए। अभी तक क्या किया, कुछ नहीं किया है। अच्छा कुछ नहीं किया मोदी जी ने, वैसे कैसे और महंगाई बढ़ गई है। अच्छा मालूम है, किसकी सरकार बन सकती है? पंजा पंजा हाँ। पंजा आएगा तो क्या करेगा? ये जो बोले वही बोल रहा है। नहीं आप बताए ना, आप तो कह रहा है कि पंजा आएगा तो क्या करेगा? बस बस ये गरीबी हटा दे हमारी। अच्छा तो गरीबी हटाने की बात करें तो मोदी की चाय बेक कराए, कह रहे हैं गरीबी घटा। मोदी जी ने अभी तक क्या किया, कुछ नहीं किया है। अच्छा कुछ नहीं किया मोदी जी ने, वैसे कैसे और महंगाई बढ़ गई है। अच्छा गुजरात मॉडल कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन मोदी जी दावा कर रहे हैं कि गुजरात की बहन खुश है हमसे। ये क्या क्या कह रहे हैं? जिसको करता होगा उसी को करता होगा, यहाँ तो कमाओ पसीना टपको, इतनी महंगाई हैगी, तेल लाइट का भी इतना आता है, गैस का बाटला इतना आता है, हर चीज आता है। तो गरीबी दूर करो, कोई भी आवे हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर महंगाई कम होना चाहिए। ध्यान से सुन रहे, नहीं सुन रहे आप? क्या लग रहा है सब, किसकी सरकार बनेगी? बड़ा ध्यान से सुन रही थी अभी आप, बताएं। पंजे की सरकार बनना चाहिए, दुआ करते हैं कि यही जीत कर आवे। अच्छा लेकिन पंजा आएगा तो क्या करेगा? हमें तो यकीन है कि पंजा आएगा तो सरकार अच्छी बनेगी, ये उम्मीद है कि पहले भी अच्छी बनती और अभी। लेकिन ओवैसी जी कहे, ओवैसी जी भी तो है ना? ओवैसी जी भी हैंगे, पर जैसे इतनी उम्मीद किए थे पर वो तब भी नहीं हो पाया। अच्छा, जैसे जो उम्मीद लगाए थे वैसी उम्मीद पूरी नहीं हुई, अभी उम्मीद है कि ये आवे तो शायद हो जावे। लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं सारे मुस्लिमों को एक हो जाना चाहिए। अब वो तो है ही है कि एक साथ मुसलमान रहेंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि कुछ कर सके। अच्छा चलिए पीछे है कुछ बात कर रहे हैं तो उन्हीं से जानते हैं कि क्या लग रहा है इस बार। बड़ा पीछे कह, अभी बात सुन रही थी ध्यान से, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार भाई पंजे की बननी चाहिए। अच्छा, पंजे की क्यों? हाँ, क्यों? सब सुविधा मिलती है उसमें भाई, पहले से ही, अब से नहीं पहले से ही। अच्छा पंजा आएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? सस्ताई भी कर देगा भाई, जो जो जितनी महंगी चीज है तो इतनी महंगी चीज खा मैं क्या करे, बाजू फिर तो खाने को भी ना रहता, काम धंधा है नहीं तो करे क्या, बोलो। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं गुजरात की बहन हमसे खुश है। मोदी जी की क्या ऐसी तैसी मार कर दी मोदी ने। अच्छा तो मोदी ने तो क्या करा, उसने अपना भरा है, हमारे को दिया क्या उन्होंने? अच्छा तो पंजा ने तो पहले से सस्ता करा, देश के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया। हाँ कहीं ना छोड़ा, वो कमा के बैठा है, पूरी दुनिया के लूट के बैठ गया। अच्छा तो लेकिन कह रहे देश के लिए मैंने सब कुछ पूछ ना छोड़ा, लुआई भी है, उसकी माँ भी है, सब है। क्या कह रहे बाटला आ रहा है? 700 का बाटला आता था, 1000 का बाटला आ रहा है, 1000 का 25 किलो आटा आ रहा है। अच्छा। पब्लिक 10000 का नौकरी करेगा इंसान, क्या खा के बच्चे को पढ़ाएगा लिखाएगा? तो कौन आएगा जो? हमारे बाप कांग्रेस था, यही आएगा, यही हम लोग को सुकून मिलता है। दो शुक्राने के नहीं पड़ेंगे कांग्रेस आ जाएगी तो। हाँ अल्लाह नाम पे भाई, अल्लाह रसूल आ जाए। अच्छा लेकिन ओवैसी जी भी तो है ना? हाँ तो वो भी तो है, तो वो भी जीतेंगे, यही तो है पंजे पे। तो वैसी पंजे पे गए, वो तो पतंग पे है ना? पतंग पे ना, तो हम तो भाई पंजे को पड़ा भाई। अच्छा पतंग कांग्रेस शुरू से करा, अच्छा काम कांग्रेस करेगा, इतना भरोसा है हमारे कांग्रेस पे, भरोसा है। लेकिन यहाँ पे आप जहाँ है गुजरात में 27 साल से भाजपा है, यहाँ पे है तो रहने दो, वही तो ऐसा करा दिया। अच्छा घर से घर नहीं है किसी को, इतने वर्षों से कमा, अभी तक अपने छत के नीचे मकान नहीं, इतनी महंगाई बढ़ गई। अच्छा तो अब कांग्रेस जाएगा तो कुछ तो होगा हम लोग के बच्चे। मोदी जी भी तो गरीबी से आए, चाय बेक कर आए हैं, क्या मालूम हम लोग तो देखे नहीं, वो कब आए कैसे आए हम लोग को खबर नहीं। अच्छा हम लोग कह रहे हैं गरीबी खत्म कर देंगे, वो कर दिया ना 5 साल में, गरीबी खत्म कर दिया कि गरीबी और ला दिया, क्या कह रहे हैं बड़ा पीछे से? गरीबों को ही खत्म कर दिया, छोड़े ही ना, गरीबी तो जब खत्म करेंगे गरीबों को ही खत्म कर दिया, एंड कर दिया सबका। चलिए और भी कई महिलाएं उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर क्या लगता है इस बार। क्या कह रही है? मोदी जी ने लाइट प्राइवेट करी, हर चीज प्राइवेट कर दी मोदी ने। मोदी ने जनता की नहीं करा, क्या कुछ नहीं करा, मकान की उन्होंने सुविधाएं निकाली कि सबको मकान दूंगा, गरीब महिलाओं को किसी को नहीं दिया, 4 इंसान को दिया, बाकी सब पीछे मर रहेंगे। महंगाई इतनी बात कर दी है कि गरीब इंसान बच्चों को पढ़ावे लिखावे कि क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। तो तुम लोगों ने करा क्या, कुछ नहीं करा हम लोग। कौन सी ऐसी सरकार आएगी जो महंगाई का? एक बात सुनो, सरकार कोई भी आती है वो यही कहती है कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन ये पंजा कर देगा तो सबके लिए बहुत मेहरबानी होगी, सबको खुशी भी लगेगी, अच्छा भी लगेगा। हर मुसलमान हिंदू कोई भी, सब भाई कोई गलत किसी की नहीं है। अभी ओवैसी खड़ा हुआ बोले सबके लिए सब करेंगे, कांग्रेस खड़ा हुआ सबके लिए सब करेंगे, बीजेपी आता है सबके लिए सब करेंगे, लेकिन करोगे कब? जब पब्लिक मर जाएगी तब। पंजा किसका है? पंजा तो अपना सबका ही है, पंजा तो हर काम में कमा।
आता, पंजा ही आगे आता है, हर काम में पंजा आ जाता है, और इंशाल्लाह ये जीत जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक को भरोसे में नहीं मारने का। तो पंजा ही तो कांग्रेस का है, मैं वही बोल, अगर पंजा अपना आ जाता है तो पंजा अपना आ जाता है तो किसी को तकलीफ में नहीं जाने देने का, भरोसे में नहीं मारने का। ये सब पूरी जनता का नहीं बैठी अपनी तकलीफ दूर करने की, नहीं कि तुम लोग आए तो हम लोग की तकलीफ दूर करो, अपने लोग आ गए यहाँ पर, अगर वो होने के बाद भी तकलीफ दूर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है वो चीज़। अच्छा क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि गुजरात की बेर हमसे खुश, मोदी की तो कोई बात करो ही मत, मोदी ने तो हर चीज पे बिल्कुल बेकार कर दिया, हर चीज प्राइवेट कर दी। लाइट बिल कितना आता है, इंसान दो चीज चलाता है 1000 रुपए लाइट बिल भरेगा, कहाँ से भरेगा गरीब इंसान, 3 बार हमने नहीं भरा तो बिल कट जाएगा। गैस का बटला 500 में आता था, आज 1000 रुपए मारा, गरीब इंसान कहाँ से लाएगा। 10 किलो आटा पहले 100 रुपए में आता था, आज 1000 रुपए का कहाँ से खाएगा गरीब इंसान, मरेगा गरीब इंसान। सब्जी भाजी 10 रुपए में सब्जी तरकारी पक जाती थी, आज 100 रुपए किलो गोभी मिल रही, पाक कहाँ से खाएगा गरीब इंसान। लेकिन मोदी जी भी तो चाय बेच कर आए, गरीब गरीबी से उठ कर आए, मोदी ने ऐसा ही तो करा है, मोदी ने करा कैसे सबका वो करके और अपने ऊंचे उस पर बैठ गए। अगर मोदी ऐसा सब करता तो मोदी आज सबके दिलों में छाया हुआ होता। मोदी क्या कह रहे हैं, मोदी जी चाय बेच के आए हैं तो वो गरीब थे, और हम क्या बेच के जाए जो अमीर हो, मैं जो हम प्रधानी में खड़े हो जाए, हमको तो कुछ ना जो हम बेच दे, उसको तो चाय बेची तो बन गया नहीं है, हमारा तो घर का घर भी नहीं है, भाड़े का घर है, किस तरह भाड़ा भरे, किस तरह क्या करे गरीब इंसान आता 10-15 हजार। तो देखा आपने ये थी गुजरात की महिला, जिनकी क्या राय है 3 की टिकड़ी या फिर 4 की टिकड़ी को लेकर, और किसकी बनेगी सरकार, किसकी नहीं बनेगी सरकार। लगातार ऐसी अपडेट के लिए देख लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।